गंदा प्रीव्यू हो गया थोड़ा। ये देखिए यहाँ मामला चल रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे भाई का बर्थडे है, इसका हमारा नहीं है उसका। आज भाई का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट होगा, जाएंगे हर जगह घूमने। स्कूल का ड्रेस पहन के आए बर्थडे सेलिब्रेट करने, काला पैंट सफेद शर्ट नीला पैंट, और वहाँ देखिए साइकिल वीली की दी आर्ट दी आर्टिस्ट। अबे हाथ नहाओ भाई, कहाँ लेट कर रहे हो। गाइस फाइनली नहा धो के तैयार हो गए हम, स्मार्ट बन गए भाई, हमारे ड्राइवर साहब तैयार हो गए व्हीकल लेके। घर में ताला लगा के मैं अभिराम सिद्धार्थ निकल जाते अपनी राइड। राइड के बाद गाइस हालत हो गई है खराब, हम लोग रुके हैं दुकान पे, गाड़ी भी ताजा हो जाए, हम लोग भी ताजा हो जाए, पिएंगे थोड़ा सा चाय। रिंग रोड पे चलते समय सीधा एक ही दुकान मिलती है जहाँ चाय तो बहुत अच्छी मिल जाती है। भाई साहब का बर्थडे है तो डिसाइड हुआ कि जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेंगे। ये देखिए यहाँ मामला चल रहा है, चाणक्य नीति से पैसा भी बटोरेंगे सब, सरकारी से अड्डा का लाभ उठा रहे हैं। फाइनली गाइस निकल के हम लोग लमसम पहुँच ही गए हैं मारकंडे महादेव के मोड़ पे। दर्शन करने से पहले सोचा गया कि थोड़ा शरीर को कर लिया जाए शुद्ध, गंदे लोगों के साथ आए तो शरीर को शुद्ध करना बनता ही है। आ है गंगा नदी, थोड़ा इनका माता जी का आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे दर्शन की ओर। भाई का जन्मदिन है यार, भाई बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा डिवोशनल लोग गाइस यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्राउड है, देखिए इतनी क्राउड यहाँ पे। गंगा जी स्नान हो रहा है, वहाँ पे स्नान हो रहा है, यहाँ पे लुक प्रीव्यू, गंदा प्रीव्यू है थोड़ा। यही मंदिर के पीछे ये गंगा नदी बहती है, वहीं पे हम लोग आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, जल छिड़कते हैं खुद पे, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए आगे की जर्नी अपनी पूरी करते हैं। जर्नी आगे बढ़ाते हैं, जूता रखते हैं डिग्गी में स्कूटी के, स्कूटी से हम लोग निकल गए गंगा जल लेके दर्शन के लिए। ड्राइवर आगे देखो उसे हैक का इस्तेमाल करते हम लोग पहुँच गए तुरंत मंदिर के मुख्य द्वार में। इस कदर लगी है लाइन, हम लोग माला फूल लेते हैं और फोन लेके मैं अंदर चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे फोन अलाउ रहता है। अंदर की क्लिप्स आपको दे सकता हूँ मैं। हैक लगाया है, पंडित जी को पटा लिया अभिराम मिश्रा, उनके मामा मामा कह के भाई हम लोग जा रहे दर्शन करने, पंडित जी को हायर कर लिए। अभिराम के मामा मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे पंडित है, तो वो पीछे वाले गेट से हमारा दर्शन बहुत अच्छे से करा देते हैं। महादेव के दर्शन के बाद बजरंगबली के दर्शन करते हैं और टीका चंदन लगा के राइट हो जाते हैं हम लोग। बाबा की असीम अनुकंपा की वजह से दर्शन बहुत अच्छा हो गया हमारा गाइस, जाएगा भाई का बर्थडे आज फुल एंजॉय होगा। भाई थोड़ा नाम ही हमारे निकल गया, यहाँ पे इनके मामा मिल गया, बहुत अच्छा खासा दर्शन करा दिए। मारकंडे महादेव का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, अब हम लोग निकलेंगे विश्वनाथ टेम्पल। गाइस कितना सुंदर पुल निर्माण हुआ है यहाँ पे, कार भी आ जा सकती है, बस ड्रम पे टिका है, ड्रम पे छोला समोसा खा के हम लोग काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। फाइनली गाइस पहुंच तो गए यहाँ पे, थकान हो गई बहुत ज्यादा, 35-40 किलोमीटर राइडिंग करके पहुंचे हम लोग यहाँ पे काल भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करने। और माला फूल का रेट सुन के तो प्राण निकल से जा रहे हैं जैसे। और गाइस यहाँ पे फोन वर्जित है लेकिन धीरे से मैं क्लिप ले रहा हूँ काल भैरव बाबा की। फाइनली गाइस काल भैरव बाबा का तो दर्शन कर लिया हमने, अब हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ दर्शन करने, पुराने वाले जाएंगे फिर नए वाले जाएंगे। काशी विश्वनाथ का तो आप व्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। गलियों के शहर बनारस में गली से निकल कर रोड पे पहुंचा रहा है, यहाँ पे हमारा चालान कट जाएगा ट्रिपलिंग की वजह से। मणिकर्णिका द्वार पहुंच के हम लोग अपना सारा सामान डिग्गी में रख देते, चेंबर में जमा करने का पैसा लगता है, और हम लोग मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। फाइनली गाइस दर्शन तो बढ़िया से हो गया, थकान पूरी हो गई, व्यू नहीं दे पाए, ले आना फोन वर्जित था। अब जा रहे हैं हम लोग, अगर मूड होगा तो जाएंगे क्लब, जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है आप लोग को आउट व्यू दे सकते हैं। बाहर बाहर का व्यू लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध चौराहे पे, और वहाँ पे मिलती है बनारसी ठंडई, वहाँ पे मस्त बनवाते हैं हम लोग सादी ठंडई, मीठी मीठी ठंडई की ठंडक पाक के तो जैसे इनके चेहरे पे चमक सी आ जाती है। हालत जैसे ब्रेड हो गई है गाइस, एकदम बीच में खोखला, सामने एकदम सख्त, टोस्ट हुए हम लोग इस टाइम, लेकिन फिर भी गर्ल्स बहुत है पैसा खर्चा करने का, पहुंचे एटीएम, पैसा निकाल के खर्चा करेंगे, लेकिन एंजॉय फुल होगा। फाइनली गाइस पहुंच गए हम लोग संकट मोचन दर्शन करने, और आते आते एक नुकसान बहुत बड़ा हो गया, फोन का केबल गया जो है खराब हो गया, स्कूटी में कनेक्ट किए थे भाई, इतना रफ्तार में स्कूटी खींचे, केबल ओबल फोन सब छिटा गया रोड पे, ये बर्थडे बॉय हमारे नुकसान कर दिया बहुत महंगा, सारा गिला सिखो आज माफ है इनके लिए। मोबाइल अलाउड नहीं है गाइस, नहीं तो आपको अंदर का दृश्य देते, हनुमान जी हमारे अंदर ही है, खाएंगे पिएंगे तब जाएंगे घर, शरीर गई एकदम थक। यहाँ से निकल के हम लोग सीधे पहुंचते हैं सिगरा चौराहे पे, गोलगप्पा पहले खाते हैं, भूख बहुत तेज लगी रहती है, और भाई साहब का गोलगप्पा वाकई में बहुत टेस्टी था, मस्त गोलगप्पा खा के डोसा हमारा यहाँ रखा हुआ है, बस बैठना है, ग्रहण करना है, वीआईपी व्यवस्था में डोसा ग्रहण करके हम लोग चले जाते हैं पान खाने, मीठा पान बनता है तीनों लोग के लिए जो कि घोटा भी जा सके। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए घर, बहुत अच्छा लगा, देखिए हमारे मंदिर में आरती हो रही है, मतलब लोग नियम से 7 बजे पहुँच गए अपने घर, घर आ गए हैं, भाई का बर्थडे, अब घर में अकेले है, फुल एंजॉय होगा, नचैया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, कीप अहेड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, बने रहिए कल तक।